हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका पहाड़ी दोस्त सुरजीत भी बहुत बढ़िया आई है। तो एक्चुअली गाइस, बात ऐसी है कि हमारे गांव में है वेडिंग और जो शादी है वो है लड़की की, जिसका नाम है भारती। ठीक है, तो आजकल जो आपको ब्लॉग्स मिलने वाले हैं इसके बाद वो वेडिंग के होने वाले हैं। और आज जो है, आज कूटे जाने हैं चावल, यानी कि अरसे बनाने के लिए जो चावल कूटे जाते हैं उसका मैं आज ब्लॉग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार से जो उत्तराखंड की मिठाई होती है ना, अरसा जिसे कहते हैं, उसे बनाया भी जाता है। उसका भी मैं एक अलग से ब्लॉग आपको अपडेट कर दूँगा। और हालांकि आज चावल कूटे जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको चावल कूटने का जो व्यू होता है वो दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी जस्ट मैं हूँ घर पर, उसके बाद मैं जाऊंगा लोकेशन पे, यानी कि जहाँ पे शादी हो रही है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल व्यू, यहाँ पे मेरे फ्लावर हैं गुलाब के। और एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने बताया कि आजकल बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण ना एक गुलाब जो है ख़राब भी होने लग गया है। ठीक है, आई थिंक इनके लिए कुछ करना पड़ेगा मेरे को। चलिए लोकेशन पे चलते हैं और वीडियो और ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। उत्तराखंड का एक ब्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अरसों के लिए जो चावल कूटे जाते हैं वो किस प्रकार से कूटे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लोकेशन। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे जहाँ पे हमारे गांव में जो चावल कूटे जा रहे हैं। और गाइस, ये हैं चावल कूटने का व्यू, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लगता है जब चावल कूटे जाते हैं। और गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे गांव के जितने भी महिलाएँ हैं वो सारे लोग यहाँ पर मिल के चावल की कुटाई कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी खुशी का दिन है और काफ़ी खुशी और काफ़ी अच्छी फीलिंग मेरे को यहाँ पे महसूस हो रही है, बिकॉज़ कि मैं भी काफ़ी सालों बाद इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं कि ये है कंडेली। कंडेली क्यों रखते हैं इसके बारे में मेरे को भी ज़्यादा मालूम नहीं है। फ़िलहाल आप आगे व्यू देख सकते किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कूटा जाता है वो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। फिलहाल आप ब्लॉग का आनंद लीजिए। बुरास केल ठंडो ठंडो पांच देवदार छेल ठंडो ठंडो रसला बुरास केल ठंडो ठंडो पांच देवदार छेल ठंडो ठंडो डांडा वार डांडा पार हो 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 बाट घाट काल धार ओ हो 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 डांडा वार डांडा पार बाट घाट काल धार सारे खार को खार ठंडो 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 मेरा पाने की हवा।
हिमाल ठंडो ठंडो नी सुगंगा जी कुछाल ठंडो ठंडो मैया छंछरा पंद्यार ओहो ओहो छन बुग्याले ढालदार ओहो ओहो मैया छंछरा पंद्यार छन बुग्याले ढालदार नौला पाक गौलुगार ठंडो 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 रे ठंडो। गाइस तो अभी हम लोगों को यहाँ पे चावल कूटते कूटते करीब एक घंटा हो चुका है और अभी हमने आधे चावल कूट के रख चुके हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो दादी लोग हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे चावल को छलनी के माध्यम से अलग अलग कर रहे हैं ताकि जो मोटा वाला चावल है वो अलग हो जाए और जो बारीक है उसे हम यूज़ करने के लिए अलग रख देंगे, ठीक है। तो गाइस ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है महिलाओं के लिए क्योंकि ये जो कुटाई का काम है ये केवल महिलाएँ ही जानती हैं और ज़्यादातर महिलाएं इस चीज़ को करती हैं यहाँ पे, ठीक है। गाइस इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आसपास के व्यू की तो यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल हैं, मैं प्रयास करूँगा आपको दिखाने का, ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं और मुझे तो इनके नाम भी पता नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हैं जैसे कि गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया और नाइट ब्लॉविंग भी यहाँ पे है, लेकिन इस टाइम पे उस पर फूल नहीं आए हैं इसलिए आप यहाँ पे फिलहाल कुटाई का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। पांच देवदार छल ठंडो ठंडो रसुलब रस केले ठंडो ठंडो पांच देवदार छल ठंडो ठंडो डांडावार डांडा पार हो 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 बाटा घाट काल धार ओ हो ओ हो डांडावार डांडा पार बाटा घाट काल धार सारे घर को घर ठंडो ठंडो बैठ छे छे ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पाड़े ठंडो अगले दिन आज पहले के हमको चलो फोन में जाओ अल्लाह हमारा अल्लाह कैसा लगा ब्लॉग? अच्छा लगा ना? तो गाइज आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा वेडिंग के जो बांधे होते हैं उसमें मिलूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और पुरानी वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है।